हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एडवांस मैथ और ये आपका वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो गया है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, तो इसमें हम सब एडवांस मैथ को देखते हैं जो कि ट्रिकी वे में होता है और कम टाइम में एडवांस मैथ को कैसे बनाया जाता है उसको हम सब यहाँ पर सीखते हैं। और ये स्पेशल है आप सभी के लिए SSC और रेलवे और अदर्स एग्जाम में जहाँ भी आपका मैथ पूछा जाता है, सारे एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो जितना भी सीरीज अभी चल रहा है सबको देख लीजिए आप। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एडवांस मैथ बहुत पूरी तरह से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप एडवांस मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं तो सीरीज जितना भी चल रहा है उसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी क्वेश्चन बहुत सारा लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक्स प्लस 1/x = 6 हो तो x^4 + 1/x^4 कितना होगा। तो इसको समझिए कि ट्रिकी वे में हम कैसे बनाएंगे। तो समझिए कि क्या दिया है कि x + 1/x का वैल्यू 6 है। देखिए इस पर कितना पावर करेंगे, पावर इस पर करते जाएंगे, हमको यहाँ तक पहुँचना है क्योंकि हमको लाना है x^4 + 1/x^4। तो क्या करेंगे, इसको एक बार आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो जब स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा तो ये a + b² पर आ जाएगा। तो a² + b² ठीक है, +2ab होता है, 2ab, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करना होगा, इधर किए तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब समझिए यहाँ पे ये दोनों कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा और प्लस में है, तो 2 को हम लेते जाएंगे उधर, तो 2 उधर प्लस में है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 2 माइनस होगा 36 में तो 34 बनेगा, स्क्वायर बन गया है। अब एक बार फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में आ जाएगा। तो बिल्कुल एक बार क्या कीजिए, फिर से स्क्वायर कर दीजिए इधर भी और इधर भी, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए। तो यही a + b² फिर से, तो a² तो ये 4 हो जाएगा +b² ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर होता है +2ab, 2ab में देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे ये कट ही जाता है। ठीक है, 2ab लिख दिए, ठीक है, ऐसे ये कट ही जाएगा, इसको नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। फिर यहाँ पे 34 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x^4 + 1/x^4 = 34 का स्क्वायर -2। ये अब देखिए 34 का स्क्वायर आप जब कीजिएगा तो ये आता है 1156, इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो 1156 में 2 माइनस कीजिएगा तो 1100 कितना होगा, 54 हो जाएगा। तो इसका देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = क्या है, b है, तो x² + bx + a / bx² - x³ का मान क्या होगा, ये बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए किसका मान पूछा है, इसका, तो इसको हम लिख लेते हैं x² + bx + a ठीक है। और नीचे अब ये देखिए ये जो लिखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें x कॉमन है, ठीक है, x यहाँ भी है यहाँ भी, तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, bx - x², ठीक है, यहाँ पे एक x रहने देंगे, एक x ही कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे आपको यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू दिया है कितना, x + a / x इतना दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू इतना b दिया है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² + x = xb हो जाएगा, यहाँ जब करेंगे x², ठीक है, +a और x चले जाएगा उधर मल्टीप्लाई में b के साथ, तो xb। अब देखें यहाँ पे है bx - x², यहाँ भी bx है, इसको लेते जाएंगे उधर, तो यहाँ बचेगा a = xb ठीक है -x², ये आएगा x² उधर जाएगा, तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू, ठीक है, ये bx - x² का वैल्यू कितना है, a, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो समझिए कि नीचे हम सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, x यहाँ पे लिख देते हैं और इसके जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर ऊपर है x² + a, ये दोनों, इसका और इसका वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है xb, मतलब इसके बदले और इसके बदले हम क्या लिख देंगे, xb लिख देंगे, तो लिख दिए प्लस और एक भी xb पहले से बचा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2xb, दोनों सेम है और नीचे हो जाएगा xa, तो x कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2b/a। तो देखिए 2b/a कहाँ है, ऑप्शन नंबर b है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको ट्रिकी वे में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री तथा अल्फा अनुपात बीटा दोनों का अनुपात दिया है कितना, 2:1 हो, तो साइन अल्फा अनुपात साइन बीटा का मान कितना होगा। देखिए पहले हमको ये पता करना है अल्फा और बीटा कितना है, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू रख देंगे तो निकल जाएगा। तो हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 90, दोनों का वैल्यू इतना है। और देखिए अनुपात में वैल्यू कितना है, अल्फा और बीटा का अनुपात कितना है, 2:1, मतलब अल्फा जो वैल्यू है वो डबल है किसके, बीटा के। ठीक है, बीटा 1 है तो अल्फा 2 है, तो यहाँ पे कितना रखें, तो समझिए आप कि अगर हम बीटा 30 रखते हैं, बीटा कितना रखेंगे 30, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा क्या है, डबल है, तो 30 का डबल कितना, 60। और देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों का सम कितना, 60 और 30 90, तो ये सम वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि जब बीटा अगर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 और 30 कितना, 90, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पता चल गया। तो क्या कीजिए, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 60, बाय साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 30। तो देखिए साइन 60 कितना देता है, √3/2 देता है, उसी तरह साइन 30 कितना देता है, 1/2 देता है, तो 2 2 कैंसिल, बचा क्या, √3/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं √3:1 इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, √3:1, √3:1 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x+2y=12 तथा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कितना है 6, तो 9x² + 4y² का मान कितना होगा। तो समझिए इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, और दिया ये और ये है, तो आप ये बताइए कि ये कब आएगा, 9x² कब आएगा। तो आप देखिए जब 3x, मतलब यहाँ पे जब स्क्वायर कीजिएगा तब ये बन जाएगा, बिल्कुल आप वही कीजिए। क्या कीजिए, जो 3x+2y=12 है, दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, देखिए कितना इजी तरीके से बन जाएगा। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये 9x² हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y² हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab, तो 2, ए कितना है 3x, बी कितना है 2y, ये हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये आप जानते हैं। तो देखिए ये चीज़ आ गया है इतना, ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9x² + 4y² ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 2 12, 12xy हो जाएगा, ठीक है, 144। अब देखिए यहाँ से इसको लेते जाएंगे इधर, ठीक है, क्योंकि इसी का सिर्फ वैल्यू पूछा है तो ये रखने देंगे, ठीक है, और उधर हो जाएगा 144 पहले से है, ये उधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 12xy, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 144 - 12, और xy का वैल्यू कितना है 6, तो 12 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए वह 144 - 72, इतना माइनस कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 2, 14 में 7, तो 7, 72 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, किसका, 9x² + 4y² का, तो 72 देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x0 एक कोऑर्डिनेट दिया है तथा दूसरा है -7 0, बिंदुओं के बीच की दूरी 10 1 1 हो, तो x के संभावित मान क्या होंगे, इस x का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट जब दो दिया रहता है, दो कोऑर्डिनेट जब दिया रहता है, एक है x और 0 ये वाला, और दूसरा इसी से दूर थोड़ा रहता है ये वाला -7 और 0, तो इस दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 10। आपको याद रखना है एक होता है दूरी का फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है, तो याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कोऑर्डिनेट से जो निकालते हैं वो होता है √, देखिए x2 - x1² + y2 - y1² ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब समझिए क्या करेंगे, एक्स वाला टर्म देखिए, ये आपका एक्स है और यहाँ पे वाई है ये और यहाँ, ठीक है, तो x2 मतलब -7 और -x, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए,
प्लस वाई टू, वाई टू कितना है जीरो, माइनस वाई वन कितना है जीरो, इसका स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस निकलेगा जो कि कितना है 10। अब देखिए यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे 0 माइनस 0 ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, और रूट अभी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा क्या -7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अभी सॉल्व नहीं करना है, अब क्या कीजिए एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे कि 100 आए, तो आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10 पुराना है, क्या पुराना है 10 पुराना है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो एक्स का वैल्यू देखिए कितना रखेंगे, देखिए एक्स जो हम रखेंगे, अगर एक्स हम यहाँ पे रखते हैं 3, कितना एक्स अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 -10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर कितना 100 ही हो जाएगा, तो एक्स वाला 3 ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो होगा क्योंकि इसमें -3 है और -3। दूसरा एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो देखिए एक्स का वैल्यू आप अगर 17 रखते हैं, कितना 17, एक्स का वैल्यू अगर 17 रखेंगे, ठीक है, माइनस में कितना, माइनस में अगर 17 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा, और -7 ये भी 10 दे देगा, अगर एक्स का वैल्यू -17 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये दोनों राइट आंसर होगा, 3 और -17, तो ये इसका राइट होगा। इसलिए यहाँ पे जो आया है इसको यहाँ से बनाना नहीं है कि इसका स्क्वायर की इस टाइप से नहीं, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर देना, या इस तरह भी कर सकते थे आप, देखिए यहाँ से स्क्वायर को लेते आइए इधर, तो ये कितना हो जाएगा 100 पे, ठीक है, -7 -x, और 100 से जब बाहर निकलेगा तो +-10 निकलेगा, इस तरह भी बना सकते थे बिना ऑप्शन चेक किए, तो एक बार प्लस में रखिए 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को इधर लेते आइए और 10 को लेते जाइए उधर, तो -17 हो जाएगा। दूसरा क्या कीजिए, एक्स एक बार 10 माइनस में रखिए, ठीक है, तो -7 -x है यहाँ पे, ठीक है, एक्स को इधर लेते आइए और 10 को उधर लेते जाएंगे, प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2cos(5x+5° cot 45 हो तो एक्स का मान कितना आंसर होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √2cos(5x+5) इक्वल टू कितना है cot 45, cot 45 कितना होता है, तो आप जानते हैं cot 45 कितना होता है, तो ये होता है 1, ठीक है, फिर लिखेंगे √2 को लेते आइए इधर, तो कितना हो जाएगा 1/√2। अब क्या करना है, इधर cos है तो इसको भी बना लेना है cos, तो क्या करेंगे देखिए इतना लिख देंगे, और आप बताइए कि 1/√2 कॉस में कितना होता है, तो आप जानते हैं cos 45 देता है 1/√2, तो बस इसको cos 45 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए cos cos इक्वल है तो ये थीटा और ये इक्वल होगा, कहने का मतलब 5x+5 इक्वल टू कितना होगा 45, ठीक है 45 होगा, तो 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 -5 40, और यहाँ से कट होगा कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 8 डिग्री, तो इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था आज का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे आपके लिए, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, थैंक यू।